रामगढ़ ब्लॉक नागटोला में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भीम आर्मी के द्वारा किया गया जिसमें क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों ने अपना प्रोग्राम दिया गीत संगीत नृत्य और नाटक के द्वारा बाबा साहेब के जीवन को इसमें दिखाया गया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता अनिल नायक ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत को संविधान दिया और उस संविधान से आज देश चल रहा है तथा सभी वर्गों को उचित स्थान दिया समानता का अधिकार भी दिया दलित पिछड़ा आदिवासी और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाया बाबा साहेब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और बाबा साहेब को नौ भाषाओं का ज्ञान होने के साथ साथ 32 डिग्रियाँ प्राप्त थी इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है वहीं विशिष्ट अतिथि नगर परिषद वार्ड नंबर 30 की पार्षद श्रीमती सीता देवी ने कहा कि आज बाबा साहेब की ही देन है कि हम महिलाएं भी बराबरी में खड़ी हैं और इसी संविधान की देन है कि मैं आज वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर पार्षद बनी हूँ पूरे कार्यक्रम में जय भीम का नारा गूंजता रहा वहीं कार्यक्रम के संयोजक विनोद नायक ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों से यह कार्यक्रम किया जाता रहा है और आने वाले समय में भी बाबा साहेब की जयंती पर यह कार्यक्रम होता रहेगा कार्यक्रम में समिति के सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों का फूलमाला पहना कर स्वागत किया गया तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अनिल नायक और विशिष्ट अतिथि वार्ड पार्षद नगर परिषद तीस की सीता देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया इस मौके पर मुख्य रूप से भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष सोनू नायक सागर नायक अनिल नायक सनी नायक गणेश नायक सहित सैकड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे रामगढ़ से सलमान कादिर की रिपोर्ट